मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो इस बुढ़ापे में तूने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया? क्यों छीन लिया तूने? अब इस बुढ़ापे में किसके सहारे थी? ये क्या जवाब देगा? इसे किसी के आंसुओं की परवाह होती तो मुझे विधवा क्यों बनाता? अभी मैं रो रही हूँ लेकिन मैं भी हंसूंगी जब तुझे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। याद रखना तेरा परिवार भी मेरी तरह सुखी नहीं रह सकेगा। तमाम गवाहों के बयानात से यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गुड्स ट्रेन ड्राइवर राम और उसकी पत्नी सीता ने मिलकर मालगाड़ी में रखा सरकारी सोना लूटा। साथ ही मुलजिम राम ने 4 सिक्योरिटी गार्ड्स, असिस्टेंट ड्राइवर और ट्रेन गार्ड को मौत के घाट उतार दिया। लिहाजा यह अदालत इस अपराध में पति को सहयोग देने के लिए मुलजिमा सीता को मुजरिमा करार देते हुए 2 साल सख्त कैद की सजा सुनाती है और मुलजिम राम ने सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद सोने के लालच में आकर इतने लोगों की बेरहमी से हत्या की, इसलिए यह अदालत इसे सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। टू बी हैंग टिल डेथ। ये झूठ है, ये धोखा है, ये फरेब है, ये इंसाफ नहीं है जज साहब। इंसाफ भी वही बोल रहा है जो झूठ ने इसे लिख के दिया है। ऑर्डर ऑर्डर। किसका ऑर्डर? कैसा ऑर्डर? हाँ जज साहब, मौत के मुंह में ढकेला हुआ इंसान किसी का ऑर्डर नहीं मानता, किसी के ऑर्डर की परवाह नहीं करता। तुम अदालत और इंसाफ की तौहीन कर रहे हो। तौहीन तो इंसाफ ने सच्चाई और ईमानदारी की है जज साहब। इंसाफ ने सिर्फ एक मासूम के गले में फांसी का फंदा नहीं डाला बल्कि उसकी बीवी और उसके होने वाले बच्चे के गले में भी फंदा डाला है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। औरत के मंगल सूत्र को तोड़ने और उसके सिंदूर को मिटाने का अधिकार सिर्फ विधाता को ही है और आज आज तुमने विधाता से उसका वो अधिकार भी छीन लिया और खुद विधाता बन बैठे। वाह वाह धरती के भगवान, कितना महान इंसाफ है तुम्हारा। आज इस भरी अदालत में सबके सामने इस मंगल सूत्र और सिंदूर की कसम खाकर कहती हूँ कि आज से 2 साल के बाद जब मैं जेल से छूटकर आऊंगी तो उन कमीनों का नाम और निशान मिटा दूंगी जिन्होंने जिन्होंने मेरे बेकसूर पति के गले में फांसी का फंदा डाला। जज साहब, जिस तरह आपने मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका भविष्य लिख डाला उसी तरह आपकी इंसाफ की कलम से आप मेरी मौत की सजा भी लिख डालिए। तारीख 2 साल बाद की डालिएगा ताकि इंसाफ का वक्त बर्बाद ना हो। पहचान लीजिए जज साहब, भूलिएगा मत मुझे। हाँ, पहचान लीजिए जज साहब, पहचान लीजिए। मेरे रास्ते से हट जाओ ऑफिसर। मैं वो इंसान हूं जिसे कानून पहले ही फांसी की सजा सुना चुकी है। एक और खून कर देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके दिल में मौत का डर होता है उसके जिस्म पर यह वर्दी नहीं होती। हम जैसा पुलिस वाला सर पर टोपी नहीं कफन बांधता है, लेकिन तुम जैसे हथियारों को
कानून की जंजीरों में जकड़कर मौत के अंधे कुएं में ढकेल सके। जाओ इसे। ऑफिसर, मैं कानून की गिरफ्त से भागकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था, मगर तुमने मुझे वापस मौत के मुंह में ढकेल दिया। अगर इस बेगुनाह की मौत होगी तो यह पाप तुम्हारी जिंदगी के लिए श्राप बन जाएगा। ऑफिसर, ना तुम कैद से जी सकोगे और ना ही मर सकोगे तुम। जय हो प्रभु, जय हो। तू कितना दयालु है, तूने मुझे क्या क्या नहीं दिया। सब कुछ तो है मेरे पास, गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर। बस इस उम्र में सिर्फ एक औरत की कमी महसूस हो रही थी, वो भी तूने भेज दी है ना। माफ करना प्रभु, मैं इस कन्या का बलात्कार करने जा रहा हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ कि बलात्कार करना पाप है। अगर मैं इस कन्या का बलात्कार ना करूँ तो ये अबला तुझे अपनी मदद के लिए पुकारेगी क्यों? पुकारेगी ना। जब तू इसकी मदद के लिए आ जाएगा तो मैं तेरे दर्शन कर लूंगा और मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, समझ गए ना? डरमा, भगवान तेरे साथ है। किसने मेरे दलते तवे पर पानी छिड़का? हेलो, मैं शिवा बोल रहा हूँ बॉस। अबे तू क्या उल्टा पैदा हो गया था, बोल फोन क्यों किया? आपने ही तो कहा था 5 बजे फोन करना। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्ला कहाँ है? बिल्ला, बिल्ला न जाने कहाँ चला गया। यू क्रेजी बिल्ला। बिल्ला अपनी बिल्ली के साथ पंजा लड़ा रहा है और अब वो उसकी कमजोरी बन गई है। मरने दो साले को। सुनो, हमारा रास्ता साफ हो गया है। बिल्ला से कहो कि फौरन सोना लेकर वसे वाले अड्डे पर आ जाए। ओके बॉस। बिल्ला, बॉस ने फौरन सोना लेकर आने को कहा है। ठीक है। बिल्ला कहाँ है? उसने कहा है कि वो 1 घंटे में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से खोलो मेरे तकदीर के ताले को, जल्दी। सोना कहाँ है? मैं नहीं जानता बॉस, ये जरूर बिल्ला की चालाकी है। उस हरामजादे को मैं सोने के साथ लेकर आता हूँ। अरे तू तो क्या, तेरी रूह भी यहाँ से नहीं जाएगी। सुधीर जी, अंकल जी, बिल्ला को ढूंढ, जमीन आसमान एक कर दे, मुझे किसी भी हालत में सोना चाहिए। वाओ, वाह बिल्ला वाह, क्या चाल चली है, अब तक तो चक्रधारी चकरा गया होगा।
इससे पहले कि उसके आदमी हम तक पहुंचे, हमें उसकी पहुंच से दूर निकल जाना चाहिए। कम ऑन मूव। भगवान जी, वैसे तो आपने मुझे सब कुछ दिया है, बस सिर्फ एक औलाद की कमी है। मैं कितने सालों से प्रार्थना कर रही हूँ और आप हैं कि मेरी सुनते ही नहीं। मैं डरती हूँ कि अगर मैं उनको बच्चा ना दे सकी तो कहीं उनका पैर स्लिपिंग ना हो जाए। लक्ष्मी! कमिंग! अरे क्या कर रही हो? क्यों जी, आज भी लेट? मैंने सुबह कहा था ना कि आज टेम्पलिंग के लिए जाना है। अरे भगवान के लिए तुम ये अंग्रेजी छोड़ो यार। क्यों, टेम्पलिंग गलत है? बिल्कुल गलत है। ये क्या है टेम्पलिंग बेम्पलिंग? अरे वाह, कैसे गलत है? जब दुकान पर खरीदने जाते हैं तो उसे शॉपिंग कहते हैं, तो टेम्पल जाने के लिए टेम्पलिंग गलत कैसे हुआ? ओफ़ो! अरे राम, अरे बाप रे, आपको तो काफी चोट लगी है। अरे रामो, शंकर, जल्दी से दवाई का बॉक्स लेकर आओ। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। चुप रहिए जी, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे भाई, अरे भाई, कुछ नहीं हुआ। एक मुजरिम को पकड़ते वक्त जरा सी खरोच आ गई। ये जरा सी खरोच है? अरे ये क्या किया, इतनी कीमती साड़ी फाड़ दी। आप सलामत रहे तो ऐसी 50 साड़ियाँ और खरीद लूंगी। बस भगवान आपको 100 साल की एजिंग दे दे। आप पुलिस की नौकरी छोड़कर मेरे देवर की तरह वकीलिंग का काम क्यों नहीं कर लेते? आपके देवर की तरह? ये तो सिर्फ नाम के वकील हैं। इनका एक भी मुकदमा आज तक अदालत नहीं पहुंचा। साहबजादे तो सारे फैसले सड़क पर ही कर देते हैं। बड़ी मेहरबानी। धन्यवाद बाबू जी, आपके बाल बच्चे सुखी रहे। किसने मुझे गाली दी? मैंने। अगर तुम जानते कि मैं कौन हूं तो मुझे गाली देने की गलती कभी नहीं करते। अब बताओ कौन हो तुम? तुमने मुझे मारा? मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूं, वो भी 24 घंटों के अंदर। ऐसी भी जल्दी क्या है मेम साहब? आप तो मुझे 24 घंटों में बताएंगी, लेकिन मैं आपको 24 सेकंड्स में बता देता हूं कि आप चीज क्या है। आप एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेलगाम घोड़ी है, और ऐसी घोड़ियों के मुंह में लगाम डालने का फन मुझे अच्छी तरह आता है। इसे देख रही हो, गरीब के लिए ये रोटी नहीं उम्मीद का चांद है, जिस पर तुमने अपनी अमीरी का जहर थूक दिया है। अब यही रोटी तुम खाओगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। खाओ वरना यही रोटी तुम्हारे हलक के नीचे धकेल दूंगा। I will teach you a lesson. Daddy! अरे ये क्या मेम साहब? Shut up, Daddy! Oh, ये क्या हालत बना रखी है? समझ गया। तू ये साबित करना चाहती है कि कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है। Oh, Daddy! मैं किचन में गिरी नहीं, मुझे किचन में धकेला है उसने। किसने? उस वकील अजय बहादुर ने। वकील अजय बहादुर? उसकी इतनी हिम्मत? गंगू रघु! यस बॉस। जिन हाथों से उस हरामजादे ने मेरी बेटी के चेहरे पर कीचड़ मला है, उन्हें हाथों को काट कर मेरी बेटी के कदमों में डाल दो। तब तक खाना तो क्या, मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। हाँ। अरे अरे बेटी, मैं देखता हूँ उसे। तू जा 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 जाओ, जाकर दिखा दो उसे चक्रधारी का असली रूप। जाओ।
तैयार है। मेम साहब, आप जिसे बकरा समझ रही थी वो बबर शेर निकला। What? वो लायर नहीं मेम साहब, फायर है, फायर। उस फायर पे पेट्रोल मत डालिए वरना जल जाएंगी। ये क्या नाटक है? तुम्हारे करीब आने का। मुझे जो चीज पसंद आ जाती है मैं उसे पाकर ही रहती हूँ। ऐसा सपने में भी मत सोचना, तुम्हारी जैसी घमंडी लड़की मेरे जीवन में नहीं आ सकती। सुना, मेरा घमंड तो तुमने पहले ही मुलाकात में तोड़ दिया अजय। तब से मेरा दिल तुम्हारे लिए ही धड़क रहा है। यकीन ना आता हो तो खुद ही देख लो। छोड़ो मुझे। मैंने सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे भूल हो गई। अब मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। इस भूल की तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिसे सुनकर कभी भी कोई किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, साहब साहब इसे माफ कर दीजिए, ये मेरा बेटा है। ये तुम्हारा बेटा हो या इस मुल्क के प्रेसिडेंट का, ऐसे भी अर्जुन वर्मा की नजर सिर्फ मुजरिम को देखती है, उनके रिश्तों को नहीं। दिलीप सिंह जी साहब, इसका सर मुंडवा कर मुंह पर कालिक मलकर गधे पर बिठाकर गर्ल्स कॉलेज के सामने घुमाना। ले जाओ। एक नहीं दो गधे लाना, दो। आप कौन है? मुझे नहीं जानते, बड़े बदकिस्मत हो। अरे इस संसार में दो ही तो चक्रधारी है, ऊपर सुदर्शन चक्कर वाला और नीचे मैं उसकी टक्कर वाला। यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारे इंसाफ का जलवा देखने। लोग कहते हैं कि एसीपी अर्जुन वर्मा के शरीर में जहांगीर की आत्मा निवास करती है, वो फौरन इंसाफ कर देता है। हवलदार के बेटे की सजा तो हमने सुन ली, अब थानेदार के भाई की सजा भी सुना दो। आप किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारे भाई अजय के बारे में। उसने मेरी बेटी की इज्जत से खेलने की कोशिश की है। ये झूठ है।
क्या सबूत है? क्या सबूत चाहिए तुम्हें? सबूत, ये रहे सबूत। क्यों, अपने भाई के कर्म देखकर झटका लगा? जहांगीर के इंसाफ का तराजू टूट गया? तुम तो फौरन इंसाफ देते हो, अब क्या हुआ? एसीपी, मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं। अगर इन 24 घंटों के अंदर तुमने अपने भाई अजय का सर मुंडवाकर, उसके चेहरे पर काली पोत कर, उसे गधे पर बिठाकर मेरे घर के सामने से नहीं घुमाया, तो कल अदालत में मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि तुम्हारा भाई जेल की सलाखों के पीछे और तुम्हारी इज्जत मेरे जूतों के नीचे होगी। गुस्सा थूक दीजिए और बैठकर खाना खा लीजिए, नहीं तो खाना कोल्ड इन हो जाएगा। अरे भगवान के लिए तुम चुप हो जाओ। भाभी चुप हो जाओ, जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लेंगे। ए, तुझ में शर्म नाम की चीज है या नहीं? तेरी वजह से सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई और तू है कि गबर शबर खा रहा है। भैया जिस तरह इंसान के लिए इज्जत जरूरी है, उसी तरह खाना भी जरूरी है। भाभी रोटी दो। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दे, क्यों उस लड़की को छेड़ रहा था? भैया मैं 15वीं बार कह चुका हूँ कि मैं उस लड़की को नहीं छेड़ रहा था, बल्कि वो लड़की मुझे छेड़ रही थी। वो लड़की तुझे छेड़ रही थी? अरे इसकी शक्ल तो देखो। देखो भाभी, कितना ब्यूटीफुलिंग है ना? शट अप। अजय तू मेरा भाई है, तेरी 10 गलतियों पर मैं पर्दा डाल दूंगा, लेकिन कल जो वो तस्वीर अदालत में पेश करेगा, हमारा मुंह तो काला होगा ही, तेरी जिंदगी भी तबाह हो सकती है। भैया आप में और मुझ में यही फर्क है, आप सिर्फ वो देखते हैं जो आपको दिखाया जाता है, और मैं वो देखता हूं जो दिखाया नहीं जाता। हम दोनों रहेंगे तो एक छत के नीचे, लेकिन हमारी जंग इसी तरह चलती रहेगी, कानून और इंसाफ की। आप आराम से बैठकर खाना खाइए। भैया मैं अपना सर कटा सकता हूं, लेकिन आपका सर कभी शर्म से झुकने नहीं दूंगा। लेकिन कल, अगर कल अदालत में वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, देखना उस बाप बेटे की खटिया मैं कैसे खड़ी करता हूँ। अब तो बैठिए और ईटिंग कीजिए। अरे आप गिविंग करेंगी तब मैं ईटिंग करूंगा ना। भैया को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। देखिंग, अरे नो ईटिंग आई भूकिंग। कौन हो तुम? तुम यहाँ कैसे आ गए? जरूरत पड़ने पर मैं कहीं भी पहुंच सकता हूँ। तुमने मेरी तस्वीरें क्यों खींची? जैसे को तैसा, तुम और तुम्हारे बाप ने मिलकर मेरी तस्वीरें खींची थी ताकि कोर्ट में साबित कर सको कि मैं तुम्हारा रेप कर रहा था। अब मैंने तुम्हारी तस्वीरें खींच ली ताकि तुम अदालत को वो बताओगी जो सच है। नहीं बताऊंगी। अगर नहीं बताओगी तो कल सुबह तक तुम्हारी ये नंगी तस्वीरें अखबारों में छप चुकी होंगी और पान की दुकानों में टंग भी चुकी होंगी। देखो ये नेगेटिव्स मुझे लौटा दो, हम अपने केस वापस ले लेंगे। कोर्ट से केस वापस लेना हमारी आदत नहीं, अब तो फैसला होकर ही रहेगा, वो भी कल सुबह कोर्ट में। मुलजिम अजय बहादुर, तुम पर इल्जाम है कि तुमने मिस मधु का बलात्कार करने की कोशिश की, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? यस योर ऑनर, मैं खुद पेशे से एक वकील हूँ, इसलिए अदालत से इजाजत चाहूंगा कि अपने केस को खुद डिफेंड कर सकूं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मिस मधु, क्या आप अदालत को बताएंगे कि मैंने कब और कैसे आपको रेप करने की कोशिश की? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, कोई भी शरीफ लड़की इतने लोगों के सामने ऐसी गंदी हरकत का बयान नहीं कर पाएगी। योर ऑनर, मिस मधु की शराफत का जीता जागता सबूत वो तस्वीरें हैं जो अदालत में पेश की गई हैं। कोई भी शरीफ लड़की अपना रेप होते हुए तस्वीरें नहीं खिंचवाती और ना ही ऐसी गंदी तस्वीरें अदालत में पेश करती है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। मिस मधु बताइए सच क्या है, क्या मैंने आपकी इज्जत लूटी? बताइए बताइए। जज साहब, जो मांग नहीं सकता वो लूटेगा क्या? आपको जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। एक दिन मैंने अजय को एक सुनसान जगह पे बुलाया ताकि मैं इसका इम्तिहान ले सकूं। कैसा इम्तिहान? जज साहब मैं ये देखना चाहती थी कि ये सुहागरात के काबिल है या नहीं। भाई राम कितनी बेशर्म है, नो शेविंग। ऑर्डर ऑर्डर।
तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत नहीं की। हरकत तो मैंने की थी, मगर बरकत नहीं हुई। जज साहब, आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रही हूँ मैं ही कर रही हूँ। क्या कर रही हो? ट्राई कर रही हूँ चुम्मा लेने की। अब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा तो मन हुआ कि मैं इनका रेप ही कर डालूं। ऑर्डर ऑर्डर। सुनिए जी, ये तो मुझे किसी बड़े घटिया आदमी की औलाद लगती है। हाँ, मिस मधु के बयान को सुनकर अदालत ये फैसला सुनाती है कि मिस मधु का दिमागी इलाज करवाया जाए और साथ ही साथ चक्रधारी चौधरी को ये ताकीद की जाती है कि आइंदा कभी इस तरह का झूठा केस दायर करने की हरकत न करें। मुलजिम अजय बहादुर पर लगाया गया इल्जाम झूठा साबित होने की वजह से अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है। मिस्टर चक्रधारी, दूसरों की इज्जत पर कीचड़ उछालने की बजाय अगर अपनी इज्जत बचाते तो शायद इतना जलील ना होना पड़ता। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। वेरी गुड शेमिंग। चुप, घर में ठीक है यार, बाहर भी ऐसी अंग्रेजी बोल के मेरी बेइज्जती मत किया करो। चलो अजय, देखो तुमने जो कहा वो मैंने कह दिया, अब तो मेरी तस्वीरें लौटा दो। हमें जो चीज पसंद आ जाती है उसे हम लौटाते नहीं। क्या मतलब? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरी तस्वीरें लौटा दोगे। लौटाऊंगा तब ना, जब तस्वीरें मेरे पास होंगी। तुम झूठ बोलते हो, यू आर अ चीट, अ लायर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। मिस मधु, मैं एक जागे हुए जमीर का आदमी हूँ। किसी लड़की की नंगी तस्वीर खींचकर उसे ब्लैकमेल करना हमारे खानदान का पेशा नहीं। हम लड़कियों की इज्जत को ढांकते हैं, उसे नंगा नहीं करते। जिस कैमरे से मैंने तुम्हारी तस्वीरें खींची थी, दरअसल उसमें रील ही नहीं थी। क्या? देखो, वो एक नाटक था, ठीक वैसा ही नाटक जैसा तुम बाप बेटी ने मिलकर मुझे बदनाम करने के लिए खेला था। मिस मधु, अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहती हो तो कुछ खोना सीखो। अगर ऊपर उठना चाहती हो तो थोड़ा झुकना सीखो। अगर किसी से जीतना चाहती हो तो उससे हारना सीखो। भगवान ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है, अगर तुम अपने दिल को भी उतना ही खूबसूरत बना लोगी तो जिंदगी सवर जाएगी। मिस मधु, अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहती हो तो कुछ खोना सीखो। अगर ऊपर उठना चाहती हो तो थोड़ा झुकना सीखो। अगर किसी से जीतना चाहती हो तो उससे हारना सीखो। भगवान ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया, अगर तुम अपने दिल को भी उतना ही खूबसूरत बना लोगी तो जिंदगी सवर जाएगी। भगवान ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया, अगर तुम अपने दिल को भी उतना ही खूबसूरत बना लोगी तो जिंदगी सवर जाएगी। अजय, अजय, कौन है? ट्राई कर रही हूँ चुम्मा लेने की। तुम? अजय घर में है? क्यों? जरूरी काम है। बैठो, अभी बुलाती हूँ। बेशर्म कहीं की, मैं अभी तुझे ठीक करती हूँ। कहाँ है झाड़ू? झाड़ू कहाँ है? भाभी। हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे माफी मांगने आई हूँ। माफी मांगने या कोई नया नाटक? मुझे गलत मत समझो अजय, वो मगरूर मधु मर गई और एक नई मधु ने जन्म ले लिया है। जो जिएगी तो तुम्हारे लिए, मरेगी तो तुम्हारे लिए। ये क्या हो रहा है? इनका रेप कर रही हूँ। क्या, मेरे सामने? तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। राम 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 राम, कैसा कलयुग आ गया है। अरे कहाँ गए दोनों?
कुछ नहीं खाया। अगर तुम ऐसे ही जिद पर अड़ी रही तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। जान खतरे में पड़ जाएगी तो क्या होगा डॉक्टर साहब, मैं जीना ही नहीं चाहती। शायद तुम नहीं जानती, आत्महत्या की कोशिश करना कानून की निगाह में जुर्म है। जुर्म है तो उसकी भी सजा दिलवा दीजिए जेलर साहब। मैं उस दुनिया में जीना ही नहीं चाहती जहां सिर्फ नाइंसाफी का राज चलता हो। जेलर साहब, हम लोग इसे समझा नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि आप इसके पति को यहां बुलवा लें, शायद वही इसे समझा सके। क्यों छोड़ दिया? हर हिंदुस्तानी औरत चाहती है कि वो सुहागिन ही मरे, और आप भी दूसरों की तरह चाहते हैं कि मैं विधवा की जिंदगी गुजारूं। सीता, तुम इतनी खुदकश तो नहीं थी। तुमने मेरे बारे में सोचा, तुमने अपने बारे में सोचा, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचा जो तुम्हारे कोख में हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। सांस लेने से पहले उसका गला घोट देना चाहती हो तुम, अपने बच्चे का गला घोट देना चाहती हो तुम। क्या करेगा वो इस घिनौने दुनिया में आकर? जहां भी जाएगा लोग उसे डाकू खूनी का बच्चा कह के पुकारेंगे। इस तरह घुट घुट कर जीने से तो बेहतर है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में कदम ही ना रखे। माना कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, मगर उतनी भी नहीं हुई है जितनी देवकी और वासुदेव के साथ हुई थी। उनके 8 बच्चों की मौत के बाद भी देवकी ने अपनी कोख नहीं उजाड़ी थी, फिर भी उसने कृष्णा को जन्म दिया था। तुम्हें भी इसे जन्म देना है सीता। रामायण और महाभारत की कथाओं की बजाय इसे हम पर हुए अत्याचार की कहानी सुनानी होगी। सीता, इसे इतना तपाना होगा कि ये बड़ा होकर दुनिया को बता सके कि कैसे इस अंधे कानून ने इसके निर्दोष बाप को फांसी के फंदे पर लटका दिया, कैसे इसकी बेबस मां की जिंदगी को जहर बना दिया। सीता, तुम्हें जीना होगा, तुम्हें जीना होगा सीता, तुम्हें अपने कृष्णा को जन्म देना होगा सीता। लो, मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं करोगी क्या? आओ सीता। अब भी वक्त है, बता दे सोना कहाँ है, वरना ये चक्रधारी ऐसा चक्कर चलाएगा कि तू मौत के लिए भीख मांगेगा और मौत दूर खड़ी तेरे जिंदगी का तमाशा देखेगी। बता सोना कहाँ है? मैं सच कह रहा हूँ बॉस, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम सोना कहाँ है। नहीं मालूम है? नहीं मालूम? नहीं। सुधीर, नहीं, मुझे मत मारो, नहीं, मुझे मत मारो, नहीं, मुझे मत मारो। शिवा! नहीं। बेटे, और
कितने दिन हो गए, तेरा कुछ पता नहीं, तू कहां चला गया रे तू, कहीं तू नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता, हे भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना, तू चाहे मेरी जान ले ले, ले ले मेरी जान, लेकिन लेकिन मेरे बच्चे की उम्र लंबी कर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अंकल जी, क्या ये साला तो मर गया, अब हमें सोने के बारे में कौन बताएगा? अंधे ने नहीं बताया तो कौड़ी बताएगा, ये मर गया तो क्या, वो बिल्ला तो जिंदा है, आराम ज्यादा ना मेरी आंखों से ओझल हो सकता है, ना ही मेरा सोना किसी को बेच सकता है, इसकी लाश को ठिकाने पे लगा दे जा। अगर मेरा बेटा तेरी मर्जी से मरता तो मैं खून के आंसू पीकर चुप हो जाता, लेकिन इसे मारने वाला तू नहीं, वो चक्रधारी है, चक्रधारी तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा चक्रधारी मैं। बच्चा बड़ा खूबसूरत है और दाएं गाल पर तिल का होना तो बहुत ही शुभ होता है। अरे सकाराम, खैनी है, नर्स जी क्या है? अंदर सब ठीक है ना? हाँ, तुम दोनों ठीक से ड्यूटी करो, नहीं तो शिकायत कर दूंगी। अरे बबरे बबरे सकाराम, ये तो आग का गोला है, गोला जलाकर भस्म कर देगी। रामायण और महाभारत की कथाओं की बजाय इसे हम पर हुए अत्याचार की कहानी सुनानी होगी। सीता इसे इतना तपाना होगा कि ये बड़ा होकर दुनिया को बता सके कि कैसे इस अंधे कानून ने इसके निर्दोष बाप को फांसी के फंदे पर लटका दिया, कैसे इसकी बेबस मां की जिंदगी को जहर बना दिया। सकाराम, क्या है? न जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था कि इन चोरों की निगरानी करनी पड़ रही है। अरे बाबू, अरे ये क्या कर गिरा? कहीं ये बॉम्ब तो नहीं? आजकल जहां देखो बॉम्ब ही फट रहे हैं। अरे हा? ये तो सचमुच बॉम ही है, और ले जाओ। अगर ये फटा तो हमारे चीथड़े उड़ जाएंगे। इसे जल्दी से उठाकर मैदान की तरफ फेंक देना चाहिए। हाँ ठीक कहा। धीरे धीरे सकाराम, धीरे, कहीं फट ना जाए। अरे ये तो खिलौना निकला, हम लोग बेवकूफ बन गए। अरे बन नहीं गए, बना दिए गए। हाँ ऐसा क्या? अरे ये तो भाग गई। हाँ। अरे कहाँ चली गई? अरे बाप रे। मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम कहाँ चली गई थी? चीफ, मैं घबराओ मत, एक्सरे का मतलब ऑपरेशन नहीं होता, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, लाओ। अरे कहाँ गायब हो गई? समझ में नहीं आ रहा, यही कहीं होगी। अरे आई पूरी पकड़ो। अरे रुक रुक जा। अरे अरे कहाँ चली गई? वो देखो जा रही है। अच्छी परेड करवा रही है कोई तो। क्या मुसीबत है? करे कहां गायब हो गई वो? साले मुझसे पूछता है, चल। हाँ चलो। डॉक्टर्स इसको मालूम नहीं, नर्सेस को पता नहीं, यहां तक इस कांस्टेबल को भी मालूम नहीं कि औरत कहां भाग गई। क्या मैं इस बच्चे से पूछूं कि बोल तेरी मां कहां भाग गई? सर वो शेट अप। एसीपी अर्जुन वर्मा,
मुझे लगता है सीता के अस्पताल से भागने का एक ही मकसद हो सकता है, वो उस सोने की तलाश में गई होगी जिसे उसके पति ने छुपा रखा है। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो और इससे पहले कि वो लूटे हुए सोने तक पहुंच सके तुम उस तक पहुंच जाओ। सर मुझे कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है, वो खुद चलकर मेरे पास आएगी। ऐसी खतरनाक औरत पुलिस वालों के पास क्यों वापस आएगी? औरत कितनी ही खतरनाक हो औलाद के आगे बहुत कमजोर हो जाती है। भगवान एक बार अपने बच्चे को भूल सकता है, मां नहीं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस बच्चे को अपने पास रख लूं। ममता की डोर में बंधी इसकी मां खुद ब खुद मेरे पास चली आएगी और मैं बड़ी आसानी से उसके हाथों में हथकड़ी पहना दूंगा। गुड, गो अहेड। थैंक यू सर। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी आई। ये तौलिए में लपेट कर क्या लाए हैं? मैं तुम्हारे लिए खिलौना लाया। खिलौना दिखाइए। दिखाइए ना बच्चा, लाइए लाइए। बड़ा ही खूबसूरत है, इतना प्यारा बच्चा है, आप मेरे लिए लाए हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। किसका बच्चा है? मेरा। अल्ले ले 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 ले, कितना प्यारा बच्चा है, ऐसे लगता है किसी राजा महाराजा का बच्चा है। जी नहीं, ये किसी राजा महाराजे का नहीं, एक कैदी औरत का बेटा है जो इसे हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गई। देखिए जी, बच्चा चाहे जिसका भी रहा हो, अब ये मेरा है, मैं इसे इतना प्यार करूंगी, इतना प्यार करूंगी। ओ लक्ष्मी जी, जरा धीरे। इस बच्चे को ना ज्यादा प्यार करने की जरूरत है और ना ही ज्यादा ममता लुटाने की, क्योंकि जैसे ही इसकी माँ मिल जाएगी हमें इस बच्चे को उसे वापस करना होगा। इसकी माँ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैं अपने 33 करोड़ देवी देवताओं से प्रेइंग करूंगी कि इसकी माँ को पुलिस ढूंढ ही ना पाए और ये बच्चा मेरे पास ही रह जाए। चल मुन्ना चल। पेशे से जल्लाद हूं मैं, घबराओ मत बेटी, तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, इसलिए पुलिस से बचाकर मैं तुम्हें यहां लाया हूं। तुम्हारे पति की तरह मैं भी बेगुनाही की सजा भुगत रहा हूं। गुनहगारों को फांसी देते देते जरूर मैंने किसी बेगुनाह के गले में फांसी का फंदा डालकर उसकी जान ले ली होगी। अरे तभी तो मेरा इकलौता बेटा मौत की बलि चढ़ गया, लेकिन उसे छीनने वाला भगवान नहीं, ये दरिंदा है ये। अगर कानून इस हत्यारे को गिरफ्तार कर लेता तो इन्हीं हाथों से मैं उसे फांसी पर चढ़ा देता, लेकिन इस हरामजादे के हाथ कानून से भी लंबे हैं। इसके लंबे हाथों को काट कर मैं छोटा कर दूंगी। इससे पहले कि मेरे पति को फांसी पर लटकाया जाए मैं इसके गले में फांसी का फंदा डाल दूंगी। नमस्ते चक्रधारी जी। बेटी जान से मार दे उस कमीने को। बता दे मुझे कहां छुपा रखा है वो सोना, बता कुत्ते। बता दे मैं कहती हूं बता। पकड़ो उसको।
क्या बात है भाई, इस शहर के सब मर्द मर गए हैं क्या जो तुम औरत से कुश्ती लड़ने आ गए? हट जा, नहीं तो फोड़ दूंगा। अबे मैं मटका हूँ क्या जो तू फोड़ डालेगा? चल जा छक्के। क्या मुझे छक्का बोला? तेरी तो अबे तू तो बहुत किस्मत वाला है। आज गांधी जी का जन्मदिन है और आज के दिन 12 बजे तक मैं किसी पर हाथ नहीं उठाता। अभी 3 मिनट बाकी हैं। अगर तुम लोग चाहो तो मुझे मारकर इन्हें ले जा सकते हो, लेकिन अगर 12 बजे का घंटा बज गया टन 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 तो 12 बजे का आखिरी घंटा बजने तक मैं तुम सबके 12 बजा दूंगा। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौन थे ये लोग? एक बेसहारा औरत के दुश्मन। यानी कि तुम इस शहर में नहीं हो? हाँ। अब कहाँ जाओगी? नौकरी की तलाश में हो? क्या तुम एक छोटे बच्चे की देखभाल कर सकती हो? आपका बच्चा है? नहीं नहीं, मेरा बच्चा नहीं है। दरअसल कल ही मेरी भाभी ने हॉस्पिटल से एक बच्चा गोद लिया है। हॉस्पिटल से? हाँ, उसकी माँ पुलिस कस्टडी में थी, न जाने बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़कर कहां भाग गई। ठीक है बाबूजी, मैं पालूंगी उसे, अपनी औलाद की तरह पालूंगी। ठीक है, आओ मेरे साथ। ला 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 ला। मैं जानती हूँ तुझे डिब्बे का दूध पसंद नहीं, पर मैं माँ का दूध कहाँ से लाऊं? चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा, मत रो। अच्छा मुन्ना है ना तू? मेरा मुन्ना है। चुप चुप हो जा। भाभी देखो मैं किसे लाया हूँ। कौन है ये? नौकरानी, आज से ये बच्चे की देखभाल करेगी। नमस्ते। क्या तूने कभी किसी बच्चे की देखभाल की है?
तो फिर मेरे बेटे को चुप करा के दिखा। अरे तूने तो कमाल कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि ये आपके इम्तिहान में पास हो गई। अभी नहीं, और कुछ सवाल पूछने हैं। तेरा नाम? जी सावित्री। तू अपना नाम बताने में इतना हिचकिचाती क्यों है? अरे भाभी, इस बेचारी पर बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। बेचारी का पति इसे छोड़कर चला गया, इसलिए बेचारी इतनी परेशान है। ये पति लोग होते ही ऐसे हैं, अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरतों की चप्पलें पॉलिशिंग करते हैं। उनको दोष देकर क्या फायदा जब खुद की तकदीर ही खराब हो। तू फिक्र मत कर, आज से इसे अपना घर समझ और मेरे बेटे को अपना बेटा। मैं आपके बेटे को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करूंगी। एक बात और, तू भूल कर भी कभी मेरे पति के सामने मत आना। वो क्या है ना, मेरी भाभी समझती है कि मेरे भैया को औरतों की नजर बहुत जल्दी लगती है, और वो रहे मेरे भैया। आप कहेंगी तो भी मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। ठीक है, चल अंदर। चलो अंदर। कौन है ये लोग? सर, ये गुंडे एक औरत का रेप करने की कोशिश कर रहे थे, आयन मौके पर पहुंचकर हम लोगों ने इनको पकड़ लिया। क्या तुम दोनों ने पकड़ा इन्हें? नहीं नहीं, हमने नहीं सर, इन लोगों ने बस स्टैंड के पास पकड़ा इन्हें। क्यों रे? लड़की को अकेला देखते ही आंखों पर चर भी चढ़ जाती है। हाँ इंस्पेक्टर। सर एफआईआर दायर करो और सुनो भाई, अगर किसी लड़की की लाश मिल जाए तो उस एफआईआर में ऐसा लिखो कि इन्होंने ही उसका रेप करके मार डाला, ताकि ये हरामजदे जिंदगी भर जेल में चक्की पिसते रहे। सर ऐसा जुल्म मत कीजिए, हमने उसका रेप करने की कोशिश नहीं की, हमारे मालिक ने उसे पकड़कर उनके पास लाने को कहा था। कौन है तुम्हारा मालिक? चक्रधारी। चक्रधारी? उसे क्यों लाने को कहा था? उसने उनको मारने की कोशिश की। उस औरत को पहचान सकते हो? जी। इनमें से कोई है? नहीं। इनमें से? जी नहीं। इनमें? यही है वो औरत। रो मत मुन्ना, अभी दूध लेकर आई। अरे मुन्ना कहाँ गया? मुन्ना रो रहा है, लगता है भूखा है। हाँ ला। ओ ओ ओ ओ ओ ओ मत रो मुन्ना, दूध पी ले बेटा। हे भगवान, बेचारा माँ के दूध के लिए तरस रहा है और इसकी माँ न जाने कहाँ चली गई। मत रो मुन्ना। हे भगवान, जरूर मेरे पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जो अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला सकती। जू 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 जू। नहीं नहीं मुन्ना, नहीं 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 नहीं। Yeah. You used to call me on my high, late night when you need my love. You used to call me, late night when you need my love. You used to You used to call me on my high, late night when you need my love. You used to call me late night. Hey, when you need my love. Yaad hai wo din, diya tha maine khat kiya tha maine pyar ka izhaar. Dono the ek khel ke khiladi, ho gaya tha ek tujhe se pyar par kise. Hey.
बदला था एक दिन दोनों की आंखों में आंसू, आ जाएंगे जो देखे थे सपने, कहीं वो गुम हो जाएंगे। जो कभी करते थे एक दूजे की परवाह, ढूंढेंगे वो दोनों देखो लड़ने की वजह किसे, अरे किसे पता था। बस याद है वो दिन दिया था मैंने खत, You used to call me on my, You used to You used to call me on my cell phone, You used to Hey, You used to You used to call me on my, This is your boy Kaka. अंकल जी क्या है? रघु और गंगू ने एसीपी अर्जुन वर्मा के सामने घुटने टेक दिए। घुटने टेक दे या मेरे खिलाफ बयान दे दे, ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला है? अरे कुत्तों के भौंकने से हाथी थोड़ा ही मरा है। मेरी फिक्र छोड़, तू एक काम, आइए आइए एसीपी साहब आइए, कहिए आज इधर कैसा रास्ता भूल गए? रास्ता मैं कभी नहीं भूलता, इसीलिए ठीक मंजिल के सामने आकर खड़ा हो गया हूं। मंजिल? कैसी मंजिल? आंख तो नामर्द चुराते हैं, मर्दों की तरह आंखें मिलाकर बात करो। चक्रधारी अपनी बराबरी के लोगों से आंख मिलाकर बात करता है, छोटे और घटिया लोगों से ना आंख मिलाता है ना उनके मुंह लगता है। मिस्टर चक्रधारी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वफादार सिपाही हूं, जिसका कद तुमसे 6 इंच ज्यादा है और हाथ में एक 1.5 फुट का कानूनी डंडा है। अगर हलक के नीचे उतार दिया ना तो सारी अंतुड़ियों का हिसाब लेकर बाहर आ जाएगा। मुझे धमकी देते हो? मैं अभी आईजी साहब से बात करता। तुम्हें जिससे भी बात करनी है कर लेना, लेकिन मेरे सवालों का जवाब देने के बाद। पूछो। कल दिन में 1 बजे आप कहां थे? अपने स्टार्ट फार्म पे। घोड़े की सवारी कर रहे थे? नहीं, घोड़ी की। शायद उसी घोड़ी ने दुलत्ती मार दी और आपकी गर्दन टेढ़ी हो गई। नहीं नहीं, सोते वक्त गर्दन की नस खसक गई। नस खुद खसक गई या किसी ने खसका दी? इस शहर में आज तक ऐसा कोई मर्द पैदा नहीं हुआ जो चक्रधारी की गर्दन तक पहुंच सके। तुम्हारी गर्दन तक तो एक मामूली औरत पहुंच गई। औरत? तुम किस औरत की बात कर रहे हो? उस औरत की जो अपने बच्चे को जन्म देते ही पुलिस कस्टडी से फरार हो गई ताकि तुम्हारी जान ले सके। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस औरत से? ऐसा कौन सा इंतकाम लेना चाहती है वो? लगता है तुम हिंदी फिल्में बहुत देखते हो, तभी एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर यहां चले आए। वैसे आपकी जानकारी के लिए हिंदी फिल्मों की एक खास बात बता दूं, फिल्म के आखिर में हीरो विलेन की खूब पिटाई करता है, विलेन कुत्ते की तरह आगे आगे भागता है और हीरो उसे लात मारता ही रहता है, मारता ही रहता है। तो तुम अपने आप को हीरो समझते हो? एक फोन घुमाऊंगा ना तो हीरो से झीरो बना दूंगा। ये फोन तब घुमाना जब कल तुम्हारे किराए के गुंडों को अदालत में पेश करूंगा। सुधीर, एसीपी को बाहर का रास्ता दिखाओ, हमारे सोने का टाइम हो गया है। चक्रधारी, नींद की गोलियां खा लेना, क्योंकि आज तुम्हें नींद नहीं आने वाली। बास्टर्ड साला। ए चल। Yeah!
बंद कर दो। मैं ही इस बदनसीब की मां हूं, अपनी ही औलाद को छाती से लगाए फिरती रही पर अपना न कह सकी। बाबूजी, मेरा नाम सावित्री नहीं, सीता है। वो सीता जो बेगुनाह होते हुए भी कानून से भागती रही, वो सीता जिसे सिर्फ उसके राम से अलग ही नहीं कर दिया गया बल्कि उसके माथे पर यह भी लिख दिया गया कि उसका राम चोर है, खूनी है। देख क्या रहे हो बाबूजी? आवाज दो अपने भाई को ताकि वो मेरे हाथों में कानून की हथकड़ी डालकर मुझे जेल की काल कोठरी में धकेल दे। एक मां को उसके बेटे से अलग कर सके, कानून के माथे पे लगे दाग को मिटा सके, भले ही सच्चाई की हार हो जाए, झूठ की तो जीत हो जाएगी। अगर ये झूठ है तो फिर सच क्या है? क्या करोगे सच जानकर बाबूजी? आज के बाजार में सच नाम का सिक्का चलता ही नहीं। कानून ने सच की जगह पर झूठ को अपना बेटा मान लिया है। माना कि कानून के पास दिल नहीं होता, लेकिन एक भाई के पास तो दिल होता है, और दिल किसी कानून को नहीं मानता। तुम सच सच बताओ कि हुआ क्या था ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बताओ। हम अपने छोटे से घर में बहुत खुश थे। मैं मां बनने वाली थी, इसलिए मेरे पति दुनिया की हर खुशियां मेरे आंचल में डालने में लगे रहते थे। ये और कितना खाओगे तुम? देखो सीधा, तुम्हें ये सब कुछ खाना है। तुम जितना सेब खाओगी ना, हमारा बेटा भी सेब की तरह लाल लाल पैदा होगा। क्यों रे मेरे मुन्ने? हाँ मुन्ना नहीं, बेटी। नहीं बेटा नहीं, पहले बेटी पैदा होगी। पहले बेटा पैदा होगा। राम, पहले बेटी आती है ना तो अपने साथ घर में लक्ष्मी लाती है। बहन जी बिल्कुल सच कह रही है। कौन है आप? आपकी बेटी का मुकद्दर, उसके आने से पहले ही लक्ष्मी आपके घर आ गई। ये सब आपके लिए है। लेकिन आप ये पैसे हमें क्यों दे रहे हैं? कल सुबह तुम मालगाड़ी नंबर 2055 को लेके बंबई से पुणे जा रहे हो। हाँ, तो उस मालगाड़ी के एक डिब्बे में 50 करोड़ रुपए का सरकारी सोना है। तुम्हें उस मालगाड़ी को लोनावला से पहले 18 किलोमीटर पर किसी सुनसान जगह सिर्फ आधा घंटा रुकना है, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। क्या समझकर तूने इस घर के अंदर कदम रखा है? तुझे क्या लगा कि पैसों के खातिर मैं अपने देश के साथ गद्दारी करूंगा? जनता का सोना तुझे लूटने दूंगा? निकल जा यहां से, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। निकल जा यहां से। बहन जी आप जरा समझाइए इन्हें, लक्ष्मी खुद चलकर आपके घर आई है। ये तो सिर्फ एडवांस है, काम हो जाने के बाद हम इनको इतने रुपए देंगे कि गिनते गिनते आपकी सारी जिंदगी कट जाएगी। कमीने, हमें पैसों का लालच देकर खरीदने आया है? दफा हो जाए यहाँ से, वरना अभी पुलिस को बुलाती हूँ। निकल जाए यहाँ से, चल। मेरी बात, और तुम्हारा आने की हिम्मत मत करना। क्या हुआ? हम लोग उसे किसी कीमत पर भी खरीद नहीं सकते। अच्छा, ये उसी मालगाड़ी का ड्राइवर है ना? हाँ। और वो कौन है? उसकी बीवी। ठीक है।
सीता कैसी हो तुम? सीता हाँ सीता, किसने किया ये सब कुछ? सोना लेकर जंगल के रास्ते से हमारे अड्डे पर आ जाओ, तब तक मैं पुलिस से निपटता हूँ। जाओ तुम दोनों। हमने बाकी चीज नहीं अंकल। अरे ये क्या, ये सब किसने किया? इंजीनियर राम ने सोने के लालच में हम सबको मारकर सारा सोना लेकर फरार हो गया। सीता, 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 तुम ठीक तो हो ना सीता? चलो जल्दी से ये खबर पुलिस को दे देते हैं। You are under arrest. मैं अदालत में चीख चीख कर कहती रही कि मेरा पति निर्दोष है, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। बाबूजी, अगर तुम्हारा ये कानून इसी तरह राम और सीता को बेगुनाही की सजा देता रहा तो लोग अपने बच्चों का नाम राम और सीता रखना छोड़ देंगे। जब जब राम और सीता पर मुसीबत आई है, किसी ना किसी रूप में हनुमान ने जरूर जन्म लिया है। आज से अपने इस भाई को हनुमान समझ। मैं वचन देता हूं बहन, तेरे सुख के घर में आग लगा देने वाले रावण की लंका में जब तक आग नहीं लगा देता, चैन से नहीं बैठूंगा। अजय, किसे बातें कर रहा है? ऊपर वाले से। ऊपर वाले से? हाँ, उससे कह रहा था कि अगर वो हर घर में मेरे भाई जैसा पुलिस वाला पैदा कर दे तो इस दुनिया से जुर्म का नामो निशान ही मिट जाएगा। Well said. वैसे ये सच है या तो मस्का लगा रहा है? 50-50. क्या मतलब? नंबर एक, तुम जुर्म होने नहीं देते। नहीं। नंबर दो, अगर जुर्म हो भी जाए तो तुम उस आदमी को पकड़ के अदालत के हवाले कर देते हो। ये पता नहीं करते कि उस आदमी के साथ इंसाफ हुआ भी कि नहीं। वो मेरा काम नहीं है। वो मेरा काम है। देख, मेरी और तेरी जंग ऐसे ही चलती रहेगी। मैं कानून के लिए लड़ूंगा और मैं इंसाफ के लिए। नमस्कार, नमस्कार। क्षमा कीजिए, जरा पूजा में देर हो गई। कहिए कैसे आना हुआ? जल्दी कहिए, क्योंकि मुझे विधवा आश्रम के वार्षिक समारोह में जाना है। अन्नदाता, बारिश सर पर मंडरा रही है। अनाथ आश्रम की छत में जगह जगह दरार पड़ गई हैं। अगर छत गिर गई तो 500 बच्चों की जाने जा सकती हैं। बच्चों की जाने तो बाद में जाएगी, पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अन्ना जी। अरे बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। मैं चेक भिजवा देता हूँ,
चाहे जितनी रकम भर लो लेकिन जल्दी से छत की मरम्मत करवा लो। आप तो धन्य हैं, भगवान आपको लंबी उम्र दे। अरे शर्मा जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इतनी दूर तक धूप में क्यों आते हो? मैंने कह दिया ना कि आपकी बेटी का एडमिशन। एडमिशन तो हो गया चक्रधारी जी। ओ तभी तो आपके लिए मिठाई लाया हूँ। मतलब शर्मा जी हमें घूस देना चाहते हैं। भगवान के चरणों में जो मिठाई रखते हैं क्या उसे घूस कहते हैं? लीजिए, आप इंसान नहीं भगवान हैं। ये भगवान नहीं शैतान है, शैतान जिसने अपनी दौलत की ताकत से तुम सब की आंखों पर पर्दा डाल दिया है ताकि तुम सब इसकी गंदी और घिनौनी शक्ल ना देख सको। अजय, तमीज से बात करो, ये मेरे पापा हैं। ये पापा नहीं, पापी है जिसने सोना तो खुद गुड्स ट्रेन से गबन किया और इंजन ड्राइवर राम पर इल्जाम थोप कर उस बेगुनाह को फंसा दिया। तुम्हारा बाप एक चोर है, स्मगलर है, देशद्रोही है। मैं चाहूं तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूं लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया है इसलिए अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। नालायक, देख क्या रहे हो, उठाकर फेंक दो साले को। चक्रधारी, 24 घंटे के अंदर अगर तूने अपना जुर्म कबूल करके राम को बेगुनाह साबित नहीं किया तो तुझे भी वहीं दफनाऊंगा जहां तूने सोना दफनाया है। इसको सोने के बारे में कैसे पता चला? लगता है सीता को इसी ने छुपा के रखा है। इसका मतलब इस देश का कानून बेकार है, अदालतों में इंसाफ नहीं है, सबूत और गवाह सब झूठे हैं। मैं सबकी नहीं सिर्फ इंजन ड्राइवर राम के केस की बात कर रहा हूं। उस इंजन ड्राइवर के केस का फैसला हो चुका है, फाइल बंद हो चुकी है और कुछ ही दिनों में उसे फांसी भी होने वाली है। फांसी उसे नहीं होगी, फांसी पे लटकेगा तुम्हारा इंसाफ, मौत होगी तुम्हारे कानून की क्योंकि राम निर्दोष है। अगर वो निर्दोष था तो पुलिस की हिरासत से भागा क्यों था? कोई माँ अपनी औलाद को छाती से अलग नहीं कर सकती, भले ही वो फांसी के फंदे के सामने खड़ी क्यों ना हो जाए। लेकिन तेरे उसी राम की बीवी अपने बच्चे को छोड़कर भाग गई, जानता है क्यों? ताकि चोरी किए गए सोने को हासिल करके बाकी की जिंदगी ऐश कर सके। ये झूठ है, सीता दौलत के लिए नहीं बल्कि चक्रधारी से इंतकाम लेने के लिए जेल से भागी थी क्योंकि वही असली मुजरिम है। ये सब तुझे किसने बताया? उसी लाचार और बेबस औरत ने। कहां है वो औरत? सॉरी, ये बात मैं एक पुलिस वाले को नहीं बता सकता। अजय, अजय कानून से आंख मिचौली खेलने की गलती मत कर। क्यों जी, मेरे देवर पर क्यों बरस रहे हैं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। समझाओ इसे, कहीं ऐसा ना हो कि जिन हाथों से इसे पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हीं हाथों से इसे हथकड़ी पहनानी पड़े। What? 10 करोड़? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मिस्टर जैक्सन? आई थिंक यू गॉन क्रेजी। 50 करोड़ रुपए का सोना मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए में दे दूं? ऑफ कोर्स, सबको मालूम है कि ये सोना तुम्हारा ना है, चक्रधारी का है। जो भी उस सोने को हाथ लगाएगा चक्रधारी उसका मुंडी उड़ा देगा। मिस्टर जैक्सन, जो लोग मौत से डरते हैं वो इस धंधे में नहीं उतरते। अगर सोना खरीदना है तो 25 करोड़ रुपया रखो वरना दफा हो जाओ यहां से। गेट लॉस्ट, ओके? अरे बिल्ला, बिल्ला मेरी बात तो सुनो। ठीक है, तुम्हारे सोना कोई 10 करोड़ में तो क्या 10 पैसे में भी नहीं खरीदेगा। हम जाते हैं। मिस्टर जैक्सन नाराज मत होइए, मैं बिल्ला से बात करके ये डील पूरी करवाती हूँ। ओह फैंटास्टिक, यू आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। देन द डील इज डन। जैक्सन, चक्रधारी के माल पर तो गीदड़ भी नजर डालने की हिम्मत नहीं करता, फिर तूने ये गलती कैसे की? ये तो बिजनेस है, प्रॉफिट का बिजनेस में कौन रिस्क नहीं उठाता? तो उठा रिस्क। बोल, बोल बिल्ला कहाँ है, बोल। बस बस, बिल्ला भाग गया। चक्रधारी, तुम चाहो जमीन आसमान एक कर लो, बिल्ला तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा। बिल्ला आएगा, जरूर आएगा। तुम जो हमारे हाथ लग गई हो लिली, तुम उसकी ताकत नहीं कमजोरी हो। तुम्हारे बगैर ना उसका दिन गुजरता है ना रात कटती है, वो जाएगा कहाँ? चल।
तुम्हारा बाप एक चोर है, स्मगलर है, देशद्रोही है। हाय, अजय, अजय, अजय मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे डैडी। आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशंस, गो टू हेल। वसीम, जो पॉइंट्स बताया तैयार है ना? हाय राकेश, आपके केस का क्या हुआ? आज पेशी है। अच्छा, अजय एक मिनट के लिए बाहर आओ ना। मैंने कहा ना मुझसे भूल हो गई। शट अप एंड गेट आउट। साइलेंस, साइलेंस। तुम जाओ यहां से। केस नंबर 786/95, मिस्टर सक्सेना और मिस्टर राहुल। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के खिलाफ जो कंप्लेंट दर्ज की गई है वो बिल्कुल गलत है। प्लीज एक मिनट के लिए बाहर आओ ना। मुझे तंग मत करो। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज चली जाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है? वो अब आप ही इंसाफ कीजिए। प्यार में छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती हैं। उन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं इनसे अपने किए की माफी मांग रही हूँ और ये है कि मेरे सुनते ही नहीं। ये कैसा इंसाफ है? अब आप ही समझाइए ना इन्हें। अब मैं क्या बताऊँ आपको? मेरा तो मन हुआ कि मैं इनका रेप ही कर डालूं। तुम इससे पहले भी एक बार? हाँ योर ऑनर, मैं वही मधु हूँ। देखो मिस्टर अजय, तुम दोनों बाहर जाकर खुद ही आपस में फैसला कर लो। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू वेरी मच। लो मैं आ गया। Man, it's the... Yeah, this is Black Kaka. Mumble rap. Yeah. Na pucho, kaise aa raha hu, kaise ja raha hu main. Na pucho. Get one. Let's go. Yeah. Get it up. Kullu Manali, put your hands up. Get it up. I say get it up. Get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up. Get it up. Kabil sabhi, lekin safal wahi. जिसे खुद पर भरोसा हजारों में मिलती उसे ही मंजिल न मिलती चलने से देखो लंबी कारों में कतारों में है देखो खड़े गई लेकिन जिसका काम अलग उसकी गिनती होती सितारों में हारू में या जीतू में बस लड़ना इन लहरों से क्योंकि नहीं मिलती मंजिल खड़े हो के किनारों पे get it up Kullu Manali, put your hands up. I say get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up. ये भूमि मेरा जन्म स्थान यही गुजरे अपनी आखिरी शाम विनम्र यहाँ हर शख्स छलाल से लेकर हाथी थान जश्न जन्नत से रूबरू हम आके यहाँ जब भूल जगम पेशकश इंटरनेशनल आमंत्रित हर व्यक्ति हर धर्म ना कर वहम बस सहम के तू रह जा कभी बर्फ की चोटियों कभी नदी में बह जा अनसुना अनकहा ये समा टहल जा पुट योर हैंड्स इन द ट्रेंस खो जा बहल जा क्योंकि सर पे मेरे इल्जाम हाथ सिहाई से रंगे सीधे मौत का समान है बने ये शब मेरे ना कोई किया कभी कतल खोद दूं तेरी कबर तूशी है मेरा नाम फैला दे ये तू खबर get it up Kullu Manali put your hands up I say get it up Kullu Manali put your hands up I say get it up
get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up. रामलखन कहाँ है? वो तो रात गांव गए हैं। हम उके मौसी का लड़का हैं। हमारा नाम कुबेर है। बोलो कितना दूध दें? हेलो चक्रधारी जी, आपका शक सही निकला। सीता इसी भी अर्जुन के घर में ही है। Come in. Sir, up. कैसे आना हुआ? मिस्टर अर्जुन, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? लेकिन किस लिए? हाँ, मेरा दावा है कि तुमने सीता नाम की मुजरिमा को अपने घर में छुपा कर रखा है। और अगर ये बात छूट निकली तो तुम्हारा जूता और मेरा सर। तलाशी लीजिए। तलाशी लो। साहब, यहाँ कोई नहीं है। साहब, यहाँ भी कोई नहीं है। सर, मिल गई। चल। रूम में उठाओ। अरे सावित्री, तू अपना फेसिंग क्यों नहीं दिखाती? आप ही ने तो कहा था ना कि साहब के सामने अपना मुंह नहीं दिखाना। अरे इनके सामने ना सही, आईजी साहब को तो मुंह दिखा। आप पहले साहब को हटाइए ना। चलिए आप साइडिंग में हो जाइए। तुम जा सकती हो। आई एम सॉरी मिस्टर अर्जुन। सॉरी आपको नहीं, इनको कहना चाहिए जो बार बार आसमान की तरफ थूकने की कोशिश करते हैं और थूक इनके ही मुंह पर गिरता है। कहिए चक्रधारी जी, अब किसका जूता और किसका सर? अच्छा सर, मैं चलता हूं। साहब, इसकी चपलिंग कीजिए। आई एम वेरी सॉरी, आप लोगों को बहुत तकलीफ दी। चलता हूं। पुलिस वालों से तो साहब सलामत दूर की अच्छी, ना इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी अच्छी। भैया तुम? भैया नहीं, एसीपी अर्जुन। कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली भाग नहीं जाती। सीता, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं, चलो मेरे साथ। भैया फिर वही पुराना राग। रिलैक्स, तुम इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दोगे, तुम्हें क्या मिलेगा? एक मेडल। मेडल मैं तुम्हें दे देता हूं, भूल जाओ इसे। मैं एक मिनट के लिए तुझे भूल सकता हूं लेकिन अपने फर्ज को नहीं। तुम भले ही मुझे भूल जाओ लेकिन मैं अपनी बहन को नहीं भूल सकता। कोई माइकल लाल इसे छू के तो देखे। माइकल लाल को देखना है? हट जा सामने से, मैं कहता हूं हट जा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? लक्ष्मी छोड़ो मुझे, छोड़ो। भाग जा, अजय भाग जा, छोड़ो लेकर, छोड़ो मुझे। मैं एक अभागिन हूं जो तुम दोनों भाइयों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। भैया तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो और अपने घर वापस चले जाओ। कैसी बातें करती हो? एक भाई अपनी बहन को क्या पुलिस के हवाले करता है? तुम मेरी चिंता मत करो, सबसे पहले हमें यह सोचना है कि बिल्ला को बिल से बाहर कैसे निकाला जाए। भैया अगर सुधीर हमें मिल जाए तो उससे बिल्ला का पता चल सकता है। सुधीर? सुधीर तक पहुंचना नामुमकिन है क्योंकि वो तुम्हारे भाई की हिरासत में है। बाबा अभी तुमने इस छोटे मियां का कमाल देखा ही कहां है। हो
मुन्नू मियाँ, अमा मुन्नू मियाँ कहाँ हो भाई? अरे बड़े मियाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? ये मदरसा नहीं पुलिस स्टेशन है। अमा बरखुरदार, हमने कब कहा कि ये मुन्नी भाई का कोटा है? हैं? किबला हुकूमत ने तुम्हें वर्दी क्या दे दी? तुम्हें तो छोटे बड़े की तमीज ही नहीं रही। अमा तुम्हारे अब्बू के अब्बा के उम्र का हूँ मैं, झुककर सलाम करो वरना अपने मुन्नू से कहकर तुम्हारी पतलून उतरवा दूंगा। मुन्नू? कौन मुन्नू? अल्लाह तौबा, किस उल्लू की दुम से हमारा पाला पड़ गया? अच्छा, हमारे साहब आपके मुन्नू हैं? अमा हमारी गोद में खेला है तो हमारा मुन्नू हुआ कि नहीं? बेवकूफ कहीं का। जाओ जाके हमारे मुन्नू से कहो कि उसके चाचा बन्ने खा मलियाबादी आए हैं। बड़े मियाँ साहब तो कोर्ट गए हैं, मालूम नहीं कब तक लौटेंगे। खुदा खैर करे, अब मैं इस बोझ का क्या करूं जिससे मलियाबाद से शहरे लखनऊ और शहरे लखनऊ से बेवफा बंबई तक लाग के आया हूं। इसमें क्या है बड़े मियाँ? अमा पूछो क्या नहीं है इसमें। इसमें हर वो चीज है जो बचपन में अपने मुन्नू को गोद में बिठाकर खिलाया करता था। जैसे? जैसे जैसे दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा का पेड़ा, कलकत्ता का संदेश, आगरे का पेठा और लखनऊ की रेवड़ियां वगैरह वगैरह। मगर हाय रे मेरी किस्मत, जन्मदिन के मौके पर मुन्नू ही गायब। बड़े मियाँ हम लोग भी तो आपके मुन्नू जैसे हैं, हम लोगों के साथ मना लीजिए ना उनका जन्मदिन। अरे ये हुई ना बात, लो भाई खाओ। अरे एक नहीं असली घी की है, पूरी लो पूरी। बड़े मियाँ खाओ। शुक्रिया। तो तुम भी लो भाई। धन्यवाद। अरे तुम क्यों शर्मा रहे हो? लो भैया, दूर क्यों खड़े हो? लो लो। शुक्रिया साहब। अरे भैया तुम क्यों वहाँ खड़े हो? आओ आओ, हमारा असली घी की मिठाई है, खाओ। मुझे शक्कर की बीमारी है, मीठा खाऊंगा तो मर जाऊंगा। अरे बाप रे। अमा मियाँ, अगर तुम नहीं खाओगे तो भी तुम मर जाओगे। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर मेरे मुन्नू को पता चल गया कि तुमने उसके बन्ने चचा जान का कहना नहीं माना तो तुम्हें चूचू का मुरब्बा बना देगा। चूचू का मुरब्बा? दीजिए दीजिए। लो खाओ खाओ, लो पूरे लो, पूरे खाओ। अमा खाओ। खाऊंगा खाओ खाओ खाओ, तुम लोग भी खाओ। छोड़े साहब, आप आप तुझे चौधरी साहब ने मेरी जान बचाने के लिए भेजा है ना? नहीं, खुद मौत से जिंदगी की भीख मांग रहा है। अरे तुम तो एसीपी अर्जुन के भाई हो। मैं हर हिंदुस्तानी का भाई हूं लेकिन तुझ जैसे गद्दारों के लिए कसाई हूं। चल। क्या हो गया तुम लोगों को? सुधीर कहाँ? साहब आपके भाई मौलाना का भेष बदल कर आए, हम सबको बेहोश करके सुधीर को ले गए। बोल, बोल, मारो कमीने को, मारो। बोल, कौन है वो आदमी, क्या नाम है उसका? मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बता दे बेटा, वरना आज इस छत के नीचे वकील साहब तेरा मुकदमा भी चलाएंगे, न्याय की देवी तुझे सजा भी सुनाएगी और मैं तेरे गले में फांसी का फंदा डालकर तेरी गर्दन लंबी कर दूंगा। बता बता। मैं कुछ नहीं जानता। रुक जाओ बाबा, ये मेरी मांग का सिंदूर मिटाना चाहता है, इसलिए सिर्फ मुझे ही हक है कि मैं इसके जिस्म से इसकी जान निकाल दूं। बोल हरामजादे, कौन है वो कमीना जिसने कत्ल तो खुद किया लेकिन सजा मिली मेरे पति को? बोल, वरना मैं कुछ नहीं जानता। पता, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। बताता है कि है। मैं कुछ नहीं जानता। चक्रधारी चौधरी स्पीकिंग। अंकल जी, मैं सुधीर बोल रहा हूँ, मैं पुलिस कस्टडी से भाग आया हूँ। क्या, कैसे बोल रहे हैं आप? तू वो सब मैं बाद में बताऊंगा, सीता मेरे कब्जे में है। अच्छा, उस हरामजादी को लेकर फौरन यहाँ चले आओ। ये नामुमकिन है। क्यों? पूरे शहर की पुलिस मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। अच्छा अच्छा, फिर कहाँ मिलेगा तू? आप काली माता के मंदिर के पीछे आम के बगीचे में आ जाना, मैंने उसे वहीं छिपा के रखा है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
बता राम का हम शक्ल कहाँ है? नहीं नहीं, मुझे मत मारो। बताता है यहाँ तेरा टेटवा दबा दूँ। बता। आई। ओ। वाह बिल्ला वाह, वक्त पर पहुंचकर तूने मेरी जान बचाई। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक बात याद रखो चक्रधारी। अगर हम आपस में दो बंदरों की तरह सोने के लिए लड़ते रहेंगे तो बीच में साली बिल्ली फायदा उठा लेगी। जब तक हम एक थे हम पर हावी होने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अब अलग होने का नतीजा देख लिया तुमने। अरे तुमने बिल्कुल ठीक कहा बिल्ला। पहले इस हरामजादे को हमारे अड्डे पर ले चलते हैं और इससे उगलवाते हैं कि वो सीता कहाँ है। जब तक वो जिंदा है हमारे सरों पर मौत मंडराती रहेगी। एसीपी अर्जुन। अर्जुन भैया मैं मधु बोल रही हूँ। अजय की जान खतरे में है। क्या? हाँ, आप फॉरेन हॉस्टल के पास पहुँच जाइए। I'm coming. बता दे तूने सीता को कहाँ छुपा कर रखा है। बता दे वरना यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। तेरी हड्डी तक किसी को नहीं मिलेगी। मारो साले को। बॉस, पुलिस आ रही है। भागो। चलो। भैया भैया वो राम का हमशक्ल वो बिल्ला चक्रधारी के पास है। मैं भी उसे लेकर आ रहा हूं। नहीं, ये काम हमारा है और तू ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर भैया। लेकिन मैंने तुझे कहा ना। सर सर वो लोग भाग गए। अरेस्ट हिम।
ये है इंसाफ का घर और वो बैठे इंसाफ के रखवाले। हाँ, क्या इंसाफ है? जो गुनेगार थे उनको तो छोड़ दिया और जो बेगुनाह है उसको लाकर अंदर बंद कर दिया। अपने आप को बेगुनाह कहता है तू? सीता को कानून की नजरों से छुपाकर अपने घर में रखा, क्या वो गुनाह नहीं था? सुधीर को लगाम से उड़ा ले गया, क्या वो भी गुनाह नहीं था? ठीक है, अगर मैं आपकी निगाह में गुनेगार हूं तो आप जो चाहे वो सजा मुझे दे देना, लेकिन राम को उसकी बेगुनाही की सजा क्यों मिल रही है? करोड़ों का सोना लूटने वाला इंसान राम नहीं बल्कि उसका हमशक्ल बिल्ला है। चक्रधारी ने बिल्ला की शक्ल का फायदा उठाकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें राम फंस गया और कानून ने उसे असली गुनेगार समझकर फांसी की सजा सुना दी। भैया, अगर राम को फांसी पर लटका दिया गया तो उसका खून आपके सर पर होगा और भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। अगर इस बेगुनाह की मौत होगी तो यह पाप तुम्हारी जिंदगी के लिए क्या बन जाएगा ऑफिसर? ना तुम कैसे जी सकोगे और ना ही मर सकोगे तुम। भैया, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मुझे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दे दीजिए, मैं सच्चाई को अदालत के सामने लाकर और राम की फांसी रुकवाकर सीधा आपके पास आ जाऊंगा, उसके बाद आप जो चाहे मुझे सजा दीजिए। क्या तू यकीन के साथ कह रहा है कि राम बेगुनाह है? वाकई उसका कोई हमशक्ल है? मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूं भैया कि राम बेगुनाह है। तू फिक्र मत कर मेरे भाई, अगर वाकई राम बेगुनाह है तो मैं उसे फांसी पर चढ़ने नहीं दूंगा। तुम यही इंतजार करो, मैं अभी आती हूं। ठीक है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी, कैसे आना हुआ? भाभी आप यहां? हाय राम। ए, तुम लोगों ने मेरे देवर को अरेस्टिंग करने की हिम्मत कैसे की? क्या समझते हो अपने आप को? तुम सबको डिसमिसिंग करा दूंगी, कोर्ट में केसिंग करूंगी, तुम लोगों की वर्दियां रिमूव ही करा दूंगी। मेरी बात तो सुनिए। क्या है, बको? भाभी जी, मैं बकरा नहीं हूँ जो बकूंगा, मैं हवलदार नंबर 220 हूँ। मुझे तो 420 लगते हो, तभी तो मेरे देवर को वहाँ रखा है जहाँ फैनिंग भी नहीं है। फौरन इन्हें बाहर निकालो। अरे क्या देख रहे हो, चलो। मगर भाभी जी, छोटे साहब को हमने नहीं बड़े साहब ने अरेस्ट किया है। ठीक है, बड़े साहब को तो मैं घर पर देख लूंगी, तुम रिलीजिंग करो। लेकिन भाभी जी, हम 2000 रुपयों की जमानत के बगैर इन्हें रिलीज नहीं कर सकते। घूस? 2000 रुपए? पुलिस वाले की बीवी से भी ब्राइबिंग लेते हो, शर्म नहीं आती? मैं तुम पर केसिंग कर दूंगी। हाँ, ये घूस नहीं है भाभी जी, ये तो कानून है। भाड़ में गया तुम्हारा कानून, तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो। नहीं, ये भी लो। नहीं नहीं भाभी जी, हम ये गहने नहीं ले सकते। नहीं ले सकते तो छोड़ो इन्हें। बड़े बुरे फंसे, छोड़ते हैं तो सांप के जूते खाएंगे, नहीं छोड़ते तो आपकी चप्पल खानी पड़ेगी। आइए, इन जमानत के कागजात पर दस्तखत कीजिए और ले जाइए। दिलीप सिंह, छोड़ दो सांप को। ये लो, बाकी खुद ही भर लेना। क्यों ऐसा उल्टा सीधा काम करते हो? पता है मुझे कितनी टेंशनिंग होती है। चलो। क्यों एसीपी साहब, अब क्या मेरी अर्थी को कंधा देने के लिए आए हो तुम? मैं जानता हूं कानून से कहीं ना कहीं गलती हुई है, लेकिन क्या गलती हुई है यही जानने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। जब मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मैं निर्दोष हूं, जाने दीजिए मुझे ताकि मैं अपनी बेगुनाही को साबित कर सकूं, तब मुझ पर विश्वास नहीं किया आपने। कानून का सर ऊंचा रखने के लिए मुझे जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया आपने, और आज मैं उसी कानून की मदद से तुम्हें बचाऊंगा। मुझ पर भरोसा रखो और बताओ हुआ क्या था तुम्हारे साथ, बताओ राम, बताओ। बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। मेरा एक सुखी परिवार था, मैं, मेरी बीवी जो पेट से थी, अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें फांसी के फंदे पर नहीं लटका सकती। यू आर रॉन्ग मिस्टर अर्जुन, राम की मौत की तारीख पक्की हो चुकी है। इसने जो मर्सी पिटीशन दायर की थी वो रिजेक्ट कर दी गई। 21 तारीख को सुबह 5:45 पर इसे फांसी दे दी जाएगी।
ये क्या हो गया? बिखरे हुए सिंदूर को भले ही तुम समेट लो बेटी, लेकिन दो दिन के अंदर तुम अपने मिटते हुए सुहाग को नहीं समेट पाओगी। यानी फांसी की तारीख पक्की हो गई? हाँ बेटी। नहीं! 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 इन्हीं तो हाथों से 21 तारीख को फांसी लगा ले का सरकार ने ऑर्डर दे दिया। लेकिन बेटी भैया, ये पाप नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ये पाप। अरे ये जल्लाद फांसी चढ़ जाएगा, लेकिन ये पाप नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं पापा, नहीं। फांसी तुम्हें और मुझे नहीं लगनी चाहिए, उन्हें लगनी चाहिए जिन्होंने इंसाफ की आंखों में धूल झोंकी है। मैं इस सिंदूर की कसम खाकर कहती हूँ बाबा, इससे पहले कि मेरे पति को फांसी लगे, मैं उन सबको मिटा कर रख दूंगी जो असली हत्यारे हैं। इक्कीस तारीख। शुरुआत में इसी से करती हूँ, ले आओ इसे बाबा। चल चल चल, तू मुझे छोड़ दो। चल मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कमीने, नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जाओ बेटी, तुम रास्ते खींचो, खींचो, खींचो रास्ते, खींचो। चीख करा फाड़ फाड़ कर, चीख इतना चीख कि तेरी गले की नसें फट जाए, और जोर से चीख ताकि तेरी आवाज जेल की दीवार को फाड़ कर मेरे बेगुनाह पति को सुनाई दे, उन्हें थोड़ा तो चैन आ जाएगा। चीख, रुक जाओ, अपने हाथों को इसके गंदे खून से मत रंगो। खोल दो इसे, मुझे सच्चाई का पता चल गया है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। दो दिन में मेरा संसार उजड़ जाएगा, फिर आप मेरी क्या मदद कर पाएंगे? दो दिन बहुत होते हैं सीता, तारीख गवाह है, इतिहास बदलने में तो एक दिन भी नहीं लगा है। तुम फिक्र मत करो, ये हमें असली मुजरिम तक ले जाएगा। चल चल कर जा, असली मुजरिम तक नहीं, मैं तुम सबको यमराज तक पहुंचाऊंगा। हमें यमराज तक? ए, तू बाहर कैसे आया? बेल पर। किसने दी? भाभी ने। तुम? हाँ, अभी फास्टिंग फास्टिंग काम कीजिए, नो आर्गुमेंटिंग। हमें राम के हमशक्ल उस बिल्ला को भी पकड़ना है। चल। वेलकम, वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू मिस्टर चक्रधारी। क्या हुआ बिल्ला? इनको हमारी सारी शर्तें मंजूर है, द डील इज फाइनलाइज्ड। सो मिस्टर गिलबर्ट, कल आप मेरे स्विस बैंक अकाउंट में 50 करोड़ रुपया जमा कर दीजिए। ओके। और चक्रधारी जी तुमको सोने का डिलीवरी परसों देगा। यू नो परसों? डे आफ्टर। ओह, डे आफ्टर, नो प्रॉब्लम। तो चलो इस खुशी के मौके पर एक एक जाम हो जाए। लीजिए व्हिस्की सोडा। थैंक यू थैंक्स। ये गाइस, चीयर्स। ये used to call me on my high, late night when you need my love. You used to call me late night when you need my love. You used to you used to call me on my high, late night when you need my love. You used to You used to call me late night, hey, when you need my love. याद है वो दिन दिया था मैंने, कत किया था मैंने प्यार का इजहार, दोनों थे एक खेल के खिलाड़ी, हो गया था एक दूजे से प्यार, पर किसे पता था एक दिन दोनों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। जो देखे थे सपने कहीं वो गुम हो जाएंगे, जो कभी करते थे एक दूजे की परवाह, ढूंढेंगे वो दोनों देखो लड़ने की वजह किसे, अरे किसे पता था। बस याद है वो दिन दिया था मैंने,
Yeah, yeah, you used to call me on my high. You used to. Yeah, you used to call me on my cell phone. You used to. Hey, you used to call me on my. This is your boy Kaka. Come, boom. Come on. Mom, मेरे बुलबुल क्या नाचती हो तुम? तुमने तो मेरा दिल ही चुरा लिया। अच्छा? हाँ। राम, तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा खत्म हो गया। जल्दी से अपने कपड़े असली कातिल को पहना दो। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैंने कोई एहसान नहीं किया मिस्टर अर्जुन। मैंने वही किया जो कानून के एक सिपाही को करना चाहिए। शहर का चप्पा चप्पा ढूंढो, मुझे किसी भी हालत में बिल्ला चाहिए। कहीं पता नहीं चला बॉस। क्या? तो क्या उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? अरे बिल्ला तू कहाँ चला गया था? मुझे तो लगा मेरा रिजर्व बैंक चला गया। आ गले लग जा। बिल्ला? मैं बिल्ला नहीं, राम हूँ। राम? हाँ, राम जेल में था लेकिन अब बिल्ला जेल में है और कल सुबह उसे फांसी भी हो जाएगी। चक्रधारी, हमने तुम्हारी शतरंज की चाल से तुम्हें मात दे दी। हथकड़ी तो मैं तुम्हें पहले भी पहना सकता था, लेकिन पहले मेरे लिए यह जरूरी था कि मैं बेगुनाह राम को बचाऊं। आज के बाद हर दिन तुम मेरा इंतजार करोगे कि कब मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाने आऊंगा। तू मुझे हथकड़ी पहनाएगा? अरे बंबई तो बंबई, पूरी दिल्ली मेरे इशारों पर नाचती है। जिस वर्दी का तुझे इतना घमंड है, उस वर्दी को मैंने तेरा कफन नहीं बनाया तो मेरा नाम भी चक्रधारी नहीं। मेरे बेईमान ससुर जी, हम शक्ल होने का फायदा उठाकर तुमने राम को जेल भिजवाया, वही चाल चलकर हमने बिल्ला को जेल भिजवाया। कानून और इंसाफ की जंग अब खत्म हुई, अब जंग शुरू होगी इंसान और शैतान की। और ये जंग तब तक चलती रहेगी जब तक तेरे पापों का अंत नहीं हो जाता। चल चलो। बेवकूफ होते हैं वो खिलाड़ी जो शय को मात समझते हैं। बिल्ला, ये त्रिदेव तुझे जीने नहीं देंगे और मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। ये क्या है? ये मैं कहां गया? आई, ये क्या, ये क्या, ये किसके कपड़े? 117, ये तो कैदियों के कपड़े। क्या कर रहे हैं? जल्दी से काम कर। अरे बाप रे, ये तो जेल है। मैं इसके अंदर कैसे आ गया? मुझे फंसाया गया है। ओ भाई साहब, इधर आओ ना, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। भाई साहब आओ, प्लीज निकालो। भाई साहब मुझे बचाओ यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। देखो किसी ने मुझे अंदर बंद कर दिया। अबे ओए, काय को चिल्लाता है साला? रोज इसी तरह चिल्लाता है। अरे अरे, मैं वो नहीं हूँ जो रोज चिल्ला था। मेरा नाम राम नहीं, मेरा नाम बिल्ला है। बिल्ला, मुझे नहीं पता मुझे अंदर किसने बंद कर दिया यार। काय को मजाक कर रहा है? कल रात तूने हम सब के साथ जेल की रोटी और दाल नहीं खाई थी, भूल गया क्या? बिल्ला और जेल की रोटी, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कल रात को तुम्हें पार्टी में बैठकर चिकन तंदूरी खा रहा था यार, सपने में। जेलर साहब आ रहे। जेलर साहब, मेरे भाई, आप मुझे बचा लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। मैं निर्दोष हूँ जेलर साहब, मैं निर्दोष हूँ। जेलर साहब, मुझे फंसाया गया है। जेलर साहब, मेरे साथ साजिश की गई है। जेलर साहब, शट अप। अरे छोड़ो यार। देखिए जेलर साहब, मैं राम नहीं हूँ, मेरा नाम बिल्ला है। वो राम मेरा हमशक्ल है जेलर साहब। देखो, जब से तुम यहाँ आए हो
यही एक बात रटे जा रहे हो। मेरा यकीन कीजिए साहब, ये सब उस एसीपी अर्जुन और उसके भाई अजय की चाल है जेलर साहब। मैं बेगुनाह हूं जेलर साहब। चाल को छोड़ो, अब ऊपर जाने की तैयारी करो। ऊपर? ऊपर कहाँ? आप लोग अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो। अरे मेरी तबीयत ठीक है यार। धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमो शांति। ओम सहना भवतु। चलो सब रोको सबको। सावीर्यं करवावहि तेजसुनावधितमाविषावहि मे चलो पकड़ लो जाओ। सर्वं मम देव देवा ओम शांति। बहुत दिनों से मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम लोगों ने मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा था ना, आज मैं तुम्हें इस मौत के कुएं में धक्का देकर जी भर कर हंसूंगा। जी भर कर। नहीं नहीं नहीं, मुझे मौत के मुंह से बचाया है, आज से मेरी ये जान आपकी है। मुझे जान नहीं सोना चाहिए, बता सोना कहाँ है? बताता हूँ। पायलट, टाइगर फॉल्स की तरफ चलो। बेटियां बाप की लंबी उम्र की दुआ मांगती है और तू मेरा इस दुनिया से कनेक्शन काट रही है। बोल किससे बात कर रही थी, नहीं तो जान से मार दूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हें मार सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। चल, लगता है मधु खतरे में है, जल्दी चलो।
अरे ये क्या कर रहे हैं? हमें बेगुनाह साबित करने के लिए आप दोनों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। समझ में नहीं आता हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएं? हम लोगों ने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, ये तो इंसानियत के नाते हमारा फर्ज था। मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी कि मैं अपने पति से दोबारा मिल सकूंगी, लेकिन तुमने तो मेरा सिंदूर वापस मेरी झोली में डाल दिया। ऐसा मत कहो बहन। ये लीजिए, आज से ये आपका बेटा है। ले लीजिए भाभी। आज से इसकी एक नहीं दो माए हैं। अरे सबको थैंकिंग तो बोलो। लो मैं आ गया। Yeah, this is Boy Kaka. Mumble rap. Yeah. Na pucho kaise aa raha hu, kaise ja raha hu main. Na pucho. Yeah. Na pucho. Go on. Let's go. Yeah. Get it up. Kullu Manali, put your hands up. Get it up. I say get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up. Kabil sabhi, lekin safal wahi, jise khud par bharosa hazaron mein. Milti usse hi manzil, na milti chalne se dekho lambi kaaron mein. Qataron mein hai, dekho khade gayi, lekin jiska kaam alag, उसकी गिनती होती सितारों में। हारू मैं या जीतू मैं, बस लड़ना इन लहरों से, क्योंकि नहीं मिलती मंजिल खड़े होके किनारों पे। Get it up, कुल्लू मनाली, put your hands up. I say get it up, कुल्लू मनाली, put your hands up. I say get it up, कुल्लू मनाली, put your hands up. I say get it up, कुल्लू मनाली, put your hands up. I say get it up. ये भूमि मेरा जन्म स्थान, यही गुजरे अपनी आखिरी शाम। विनम्र यहाँ हर शख्स, छलाल से लेकर हाथी थान, जश्न जन्नत से रूबरू हम, आके यहाँ जब भूलो जगम। पेशकश इंटरनेशनल आमंत्रित, हर व्यक्ति हर धर्म ना कर वहम, बस सहम के तू रह जा। कभी बर्फ की चोटियों, कभी नदी में बह जा, अनसुना अनकहा ये समा टहल जा। Put your hands in the trance, खो जा बहल जा, क्योंकि सर पे मेरे इल्जाम, हाथ सिहाई से रंगे, सीधे मौत का समान है बने ये शब्द मेरे। ना कोई किया कभी कत्ल, खोद दूं तेरी कबर, तूशी है मेरा नाम, फैला दे ये तू खबर। Get it up, कुल्लू मनाली, put your hands up. I say get it up, कुल्लू मनाली, put your hands up. I say get it up, कुल्लू मनाली, put your hands up. I say get it up, कुल्लू मनाली, put your hands up. I say get it up.